नसीब वर्मा, नसीब अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिसे ताहरीर मुस्लिमीन, जनाब मोहतरम समुद्दीन अब्दाद साहब, एक्स कॉर्पोरेटर कुबड़ा, जनाब शरीफ साहब कॉन्टेस्टिंग कॉर्पोरेटर कैंडिडेट फ्रॉम रियासत नगर, जनाब एम ए रहमान साहब कंटेस्टिंग कैंडिडेट जंगा मेट, जनाब अबरार भाई साहब, जनाब पाशन बेग साहब, जनाब मोइन भाई साहब, जनाब मोतीलाल साहब, महफिल में मौजूद जनाब काजा भाई साहब, जनाब अपूबा साहब, जनाब शफीउद्दीन साहब और दीगर हजरात को सलाम अलैकुम। मेरे बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं और मेरे नौजवान साथियों और घर में बैठकर सुनने वाले मेरी इज्जत और मां और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जलसा इंतखाब जिसमें मुझे बल्दी डिवीजन उपगुड़े से कैंडिडेट मुकर्रर किया गया है और जनाब रहमान साहब को जंगमेट से कैंडिडेट मुकर्रर किया गया है, जिस पर मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल का शुक्रगुजार हूँ और ममनून और मशकूर हूँ अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और अलहाज असदुद्दीन अकबरुद्दीन अवैसी साहब एमएलए चंद्रायन गुप्ता का, जिन्होंने मुझ नौजवान तालिब इल्म को मौका दिया और मैं एहसान मंद हूँ मेरे वालिद मोहतरम अली जनाब समद्दीन अब्दाद साहब एक्स कॉर्पोरेटर का, जिन्होंने मेरी सिफारिश की नखीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से, और जिन तवक्कुआत के साथ मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और मेरे वालिद ने मैदान में उतारा है, इंशाअल्लाह मैं उनकी उम्मीदों पर खरा सोना बनकर उतरूंगा इंशाअल्लाह। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जब 1999 के इलेक्शंस में एक मिशन लेकर उतरे थे कि चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एक नौजवान लड़के और लड़कियों के हाथ में कलम देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने 70% काम को मुकम्मल कर चुके हैं, और इंशाअल्लाह अगर मैं मुंतखिब होऊंगा इस डिवीजन से तो आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के कंधे को कंधा मिलाकर काम करूंगा, और इंशाअल्लाह बल्दी हल्के उपगुड़े से एक पहला डिवीजन होगा जो 100% लिटरेट लोगों से भरा होगा इंशाअल्लाह। और मैं हर किसी से गुजारिश करना चाहता हूं कि 2 फरवरी को इलेक्शन है और पतंग के निशान पर मोहर लगाइए और इस नौजवान लड़के को अपनी दुआओं से मुंतखिब कीजिए। मेरे वालिद ने जो 5 साल मेहनत की है डेवलपमेंट पर, इंशाअल्लाह आज मैं डबल ताकत के साथ मेरे सदर के निगरानी में काम कर बताऊंगा इंशाअल्लाह। और मैं गुजारिश करूंगा कि पतंग के निशान पर मोहर लगाइए और मजलिस को कामयाब बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।